नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज का मैं ये जो संदेश है ये मेरा हम बूढ़े लोगों के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए है, और इसमें मैं मेरे से ही अपनी बात चालू करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैंने छोटे बड़े कारोबार करके बैंकों में 15 लाख रुपए जितनी राशि फिक्स डिपॉजिट या सेविंग वेविंग में रखी है, उसमें कांग्रेस के टाइम मुझे 1,35,000 रुपये 9% के हिसाब से सालाना ब्याज आता था। मेरी और मेरी पत्नी की मेडिकल क्लेम की पॉलिसी 3-3 लाख रुपए की थी, जिसका प्रीमियम मैं सालाना 15 से 20 हज़ार रुपये भरता था। ये मेडिक्लेम की राशि अब बढ़ के 35,000 रुपये ये दो महा पागल महामूर्ख और समाज में समझो ना महाराक्षस नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने करवा दी है। अब ये पैसे हम कहाँ से भरेंगे? ये राशि 65 के बाद सालाना 50,000 रुपये होगी, तो हम कहाँ से लाएंगे? जो ब्याज हमको 1,35,000 रुपये आता था, उसकी जगह ब्याज की राशि घट के 90,000 हो गई है। इसमें साल भर हम क्या कमाएंगे, हमको क्या मिला? अब ये हालत आ गई है हमारी कि हम किसी चाय की लारी पे जाके जूठे कपड़े का भी धोए तब हमारे घर का पूरा होगा। दुनिया की दूसरी सरकारें जो ये मोदी और अरुण जेटली जितना टैक्स हमसे मांग रहा है उससे कम टैक्स में सीनियर सिटीजनों को राहत देती है, और ये दोनों हमारा गला दबा रहे हैं। आज हमारे देश के सारे सीनियर सिटीजनों की हालत है। मेरे पास तो इतना है, देश के 80% सीनियर सिटीजनों के पास चवन्नी नहीं होती। 10 दिन पहले मेरा दोस्त अपनी बीबी को लेके आया मेरे पास, बोले हम दोनों के चश्मे बनाने हैं। मुझे 300 रुपये दे दो। बूढ़े आदमी को सरकार 3 महीने में चश्मे बना के देती है, और उसका अस्पताल आने जाने का किराया इस 6 से 7 धक्के हो जाते हैं तब उसका बनता है। लोग मुझे पागल कहते हैं कि इसके पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन ये मेरा दर्द नहीं है, और ये दर्द के बारे में ये संदेश नहीं भेजता हूँ। बच्चे की हालत भी ऐसी हो गई है कि उसकी 8,000, 10,000, 15,000 तनख्वाह है, तो अपने घर का पूरा करेंगे या हमको खिलाएंगे? और ये आदमी हर दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती है, बसों के किराए इतने बढ़ते हैं, सरकारी प्रीमियम इतने बढ़ते हैं कि आज GST आ गई है, नोटबंदी आ गई है, तो कोई पैसे वाला भी अपने रिश्तेदार जो बुजुर्ग है उनकी मदद नहीं कर सकता। गरीब आदमी कहाँ जाएगा जिसके पास कुछ नहीं है? और ये हमारे बिके हुए पत्रकार जो नरेंद्र मोदी को जेटली को कुछ कहेंगे नहीं, और मोदी ने कौन सी गरीबी देखी है उसको मैं बचपन से जानता हूं। 11 साल की उम्र में वो घर छोड़ के निकल गया, घर से बाहर रहा है। घर वालों ने उसको पकड़ के जब शादी करवाई 18 की एज पे 1968 में, तब फिर बीबी को छोड़ के भाग गया।
उन अकेले आदमी ने कौन सी गरीबी देखी है? 68 से 85 तक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड इसी को किसी ने लिखा है? कहाँ रहा है? अरे इसने जिस खाली थाली में खाया है वहां छेद किया है, शुरू से लोगों की पीठ पे वार किया है, उसको आरएसएस ने ये पूरा देश संभालने दिया है। आज आरएसएस बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी उल्टी दिशा में चल रहा है, इसको अभी गद्दी से उतारो। और अरुण जेटली जिसने क्रिकेट एसोसिएशन में 1000 रुपए का भ्रष्टाचार किया, 1000-1000 रुपए तक उसने छोड़े नहीं है प्रिंटर को, उसको तुमने वित्त मंत्री बनाया है। जिसने सारी जिंदगी हराम की कमाई की है वकीलात के नाम से, गरीबों की खाई ली है, पिछली जिंदगी में वो इतना तड़पेगा? हो सके